नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम लोगों को मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में बुलाया गया था, जिसमें मनोज तिवारी भी शामिल थे। इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर गायक हैं पवन सिंह नाम है उनका, पवन सिंह को भी आमंत्रित किया गया था। और आप सभी के चाहते ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, ग्लोबल स्टार ने तो मानो की क्षमा बांध दी। आप वीडियोस में देख सकते हैं किस तरीके से खेसारी लाल यादव की धमाकेदार एंट्री होती नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन लोगों की भले ही चर्चा हो रही हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे मनोज तिवारी का हो, लेकिन असली स्वैग जो है वो गोरखपुर से सांसद और भोजपुरिया कलाकार यानी कि रवि किशन का देखने को मिला है। रवि किशन का जो तांडव है वो एक अलग अंदाज में नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि भैया असली जलवा जो है वो रवि किशन का है। मैं कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, किस तरीके से अमिताभ बच्चन, जो बॉलीवुड के बादशाह कहे जाते हैं, बॉलीवुड के बादशाह के साथ किस तरीके से रवि किशन जो हैं वो एकदम हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। क्रिकेटर ईशान किशन के साथ ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या के साथ नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा रामचरण के साथ नज़र आ रहे हैं, तो ये जलवा सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नज़र आ रहे हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई रवि किशन का सच में क्या जलवा है। वो अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ वहाँ पर पहुँचे थे और इस वीडियो में आप देखिए कि मुकेश अंबानी, जो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, किस तरीके से उनसे रूबरू होते नजर आ रहे हैं। तो ये असली दबदबा होता है। बाकी लोगों की तो एंट्री हुई स्टेज पर दिखा, लेकिन असली दबदबा जो है वो रवि किशन का है। रवि किशन डायरेक्ट एकदम मुकेश अंबानी से कनेक्शन भिड़ा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। मुकेश अंबानी से, इसके अलावा अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों से रूबरू करते नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि भोजपुरी कलाकार के रूप में रवि किशन ने ही भोजपुरी इंडस्ट्री को दिया है। बाकी आप लोग इस पर क्या कहेंगे? बाकी लोग तो हवा बना ही रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे ये हमें प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, धन्यवाद।